इसके अंदर आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या बज रहा है। अब ये है हमारी जो मैन जो सब वूफर है वो लो जी। अब चलते हैं ऑफिस में, साहिल आ गया है शायद। ये देखो उसके जूते, मेरी चप्पल निकाल दो। बढ़िया भाई साहिल। हेलो गाइस, मैं तो आज देखिए मेरे बूफर की अनबॉक्सिंग करूँगा आज। मैं सोच रहा था ये बॉक्स काफ़ी बड़ा होगा यार इन बूफर्स का, लेकिन ये तो छोटा सा बॉक्स है। अब ये यूनिट देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी है। ठीक है यार, कंपनी की चीज़ है। मैं पहली बार ऑफिस में आया, पहले वाले ऑफिस में आता था वहाँ पे आके भी मैं ऐसे ही खुश होता था, और यहाँ पे आके भी ये देखो कैसे चीज़ें छिड़ रहे हैं। मैंक तेरा पियानो किधर है? पियानो तो लीजिए जी। अब हो गया है बूफर की ओपनिंग का टाइम। अब खोलने का टाइम हो गया इसको। सच में यार बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, कैसा है पता नहीं। वाह क्या बात है, ये देखो सेफ्टी का कितना ख्याल रखा गया है यहाँ पे। ये देखो ऊपर ये फॉर्म्स की शीट लगा रखी है। सबसे पहले हमें एक यूनिट दिखाई देती है यहाँ पे, ये इसके रिमोट है। थोड़ी सी धूल मिट्टी सी तो इस पर लगी हुई है, हो जाता होगा पैकिंग के टाइम। बैटरी एकदम नकली है, बेकार सी बैटरी है। कोई नहीं, ज़्यादा यूज़ तो अपने को करनी नहीं। थोड़ा डेंट भी है इस बैटरी में। चलो ये तो यार छोटी मोटी बात है। क्या निकली है किताब, मैं तो इसको पढ़ने नहीं वाला भाई, ऑफ कोर्स टाइम वेस्ट चीज़ है। अब निकालते हैं छोटी वाली यूनिट, ये वाली। यहाँ पे भी इसको देखो टेप लगा रखी है। मैं इसको बड़ी सावधानी से खोलूँगा, ज़्यादा फाड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये ना अगर कोई भी डिफेक्ट हुआ ना इस पीस में तो वापस भेजना पड़ सकता है। तो ज़्यादा मैं इसमें ना कुछ छेड़खानी करूँगा नहीं। ये देखो भाई लुक देखो, मैं ऐसी लुक बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था बिल्कुल एकदम सिंपल प्लेन, ताकि वो साफ़ हो सके। अब इनके अंदर ना धूल फंस जाएगी और वो साफ़ ही नहीं होगी। लेकिन ठीक है यार, FND के हैं बस, मेरे को इतना ही सब्र। और इसके पीछे ये भी है देखो, हैंग करने के लिए, ये मेरे को चाहिए थी। एक यूनिट ये है इसका भी। अब सैटेलाइट, ये दूसरी सैटेलाइट है, ये भी ओके है। मटेरियल बहुत मजबूत है FND का, मेरे को यही बात अच्छी लगती है। इसके अंदर आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या बज रहा है। अब ये है हमारी जो मैन जो सब वूफर है वो। निकला भाई निकला, हाँ ये निकल गया। ये देखो इधर कैसे सेफ्टी का देखो कितना ख्याल रखा गया है वूफर की। ये यार ब्रांडेड चीज़ों का है ना, यही अच्छी बात होती है। टेप तो यहाँ पे लगी हुई है। इसके अंदर देखो एक ये निकली है, ओक्स जैक निकला RC वाला। ये देखो ये तो नया लेके आना पड़ेगा यार, ये साथ में आते हैं ना लोकल आते हैं, देख लेंगे चला के, बढ़िया होगा तो यूज़ कर लेंगे, वरना मैं तो इनको अच्छा मानता नहीं। अब निकालते हैं अपनी मैन यूनिट को। इसके ऊपर कुछ लगा नहीं रखा इन्होंने, प्लास्टिक का कोई डेकोरेशन सा, सीधा ही काट रखा है गोल। सिर्फ बास का बटन है, ट्रैवल का बटन नहीं है इसके अंदर। और ऊपर ये दो तीन बटन है इसके ऊपर, ये ढक के रखने पड़ेंगे वरना इनके अंदर धूल चली जाएगी। मैं तो इसी को चिपका दूंगा ऐसे करके, मेरे को ज़रूरत ही नहीं। और आगे इसके यहाँ पे शायद नंबरिंग वगैरह आएगी, यहाँ पे इसका कार्ड है। मैं तो इसी को ना ऐसे करके चिपका दूंगा यहाँ पे, ताकि धूल ना जाए। ना ही तो मेरा काम USB का है और ना इन बटन का कोई काम है, मेरे को सिर्फ फोक्स चाहिए इसके अंदर से। यहाँ पे देखो इसके थोड़े से डेंट थे, देखो यहाँ पे डेंट है, यहाँ पे डेंट है, ये शायद मैन्युफैक्चरिंग में ही आए हैं। ये देखो यहाँ पे कॉर्नर में कितने डेंट से हैं। अब मेरे को थोड़ा सा शक ये हो रहा है ये कहीं यूज्ड पीस ना हो। और भी कई सारी चीज़ें देखो यहाँ से थोड़ा, ये चलो यार पैकिंग में फट जाता है इसका कोई चक्कर, में मानता नहीं इशू, लेकिन जो भी है देखेंगे क्या है, चला के देखेंगे। चलाने में बढ़िया होना चाहिए और कुछ नहीं, ये रीयूज्ड हो चाहे कुछ भी हो। ये देखो स्पीकर में भी एक डेंट है थोड़ा सा, देखो नन्ना पलट लिया। ये देखो यहाँ पे थोड़ा डेंट है स्पीकर में भी, देखते हैं भैया चला के देखते हैं। तो अब ये इसका एंटीना की वायर का मेरा कोई काम नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर रखूँगा। अगर कोई भी इसके अंदर डिफेक्ट हुआ तो वापस करने में आसानी हो जाएगी। ये जो पन्नियाँ हैं इसकी ये वापस डाल देता हूँ, यूजर मैनुअल है ये भी इसके अंदर डाल देता हूँ, ये वाला पीस भी इसके अंदर पूरा ढक देता हूँ।
चलिए अंदर चलते हैं, चला के देखते हैं बूफर कैसे चलता है, प्रीवियस कैसे है इसका। ये वाली यूनिट बता देता हूँ, पहले वाली थे एफ एन डी, ये भी एफ एन डी के थे मेरे पहले वाले थे जो। अब ये इनकी जगह अभी ये लटकाऊँगा यहाँ पे, एक तार एक यूनिट की तार तो ठीक से आ जाएगी, किसकी देखनी पड़ेगी कितनी लंबी है। और अब मैं इसके अंदर अपने साउंड कार्ड के तार लगाऊंगा, ये वाला जो साउंड कार्ड है इसके पीछे ये कनेक्शन ये दिए हुए हैं मैंने। साउंड कार्ड मेरे कंप्यूटर से आवाज़ लेता है जीरो लेटेंसी के साथ, और फिर जो साउंड की जो आउटपुट है, जो स्पीकर है या कोई भी साउंड मॉनिटर है, उनके अंदर आवाज़ चलती है जीरो लेटेंसी के साथ। तो अब सो भाई बूफर हो गए रेडी, अब ये तार लगाऊंगा इनके, कंप्यूटर चल पड़ा है और बूफर में लाइट नहीं आई है शायद, इसका बटन बंद है पीछे से चल पड़ा। एफएम चल रहा है अभी फिलहाल, इस यूनिट में देखिए आवाज आ रही है, इसमें एक में नहीं आ रही आवाज। सो गाइज बूफर की क्वालिटी एकदम बढ़िया है, लेकिन इस बूफर में एक छोटी सी कमी है, इसमें लेफ्ट राइट में से राइट साइड के स्पीकर्स में आउटपुट नहीं आ रही है, यानी कि राइट साइड वाले स्पीकर में आवाज नहीं आ रही है। हमने हर तरह से इसको ट्राई करके देखा, बाकी आवाज इसकी एकदम बढ़िया है, हमने सॉन्ग सुन के देखे हैं। कॉपीराइट इशू की वजह से मैं आपको यह सॉन्ग वीडियो में चला के नहीं दिखा सकता, आप समझ ही सकते हैं। सो गाइज वूफर तो अपने डिफेक्टेड निकला है, लेकिन मैंने ये रिटर्न कर दिए हैं, ये देखिए 9 सितंबर तक ये रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन मेरा थोड़ा सा दिमाग सा भी खराब हो गया था, मूड खराब हो गया था ये देख के भी डिफेक्टेड पीस आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं यार, ये रिटर्न हो गए बहुत अच्छी बात है, कोई और देखेंगे या फिर दोबारा से ऑर्डर करेंगे, कोई और पीस मंगवाएंगे, कोई बढ़िया पीस मंगवाएंगे। लेकिन मैं एक बात सुन के मेरा मूड सारा एकदम ओके हो गया भाई। एक्चुअली क्या है, मैं अपने ऑफिस में ग्रीन स्क्रीन लगाने के लिए कपड़ा लेके आऊँगा और ग्रीन स्क्रीन आज लगाएंगे, क्योंकि कल को कोई शूटिंग के लिए आ रहा है कोई बंदा, तो उसके लिए मुझे ग्रीन स्क्रीन तो मुझे लगानी थी, कल को शाम को फिर हम गाने की शूटिंग करेंगे, आज ग्रीन स्क्रीन लगा दें। तो गाइज अब हम चल रहे हैं अपना ग्रीन स्क्रीन के लिए कपड़ा लेने, चलिए चलते हैं। तो गाइस ग्रीन स्क्रीन लेके आ चुके हैं, लोअर का जो कपड़ा होता है वो लेके आए हैं, ग्रीन कलर का लोअर, जो टी शर्ट लोअर जो सिलवाते हैं हम, काफ़ी मजबूत कपड़ा है, ऐसा ट्रांसपेरेंसी वाला कोई चक्कर नहीं है कि आर पार कुछ दिखेगा, हम बाहर भी उसको लगा सकते हैं इजीली, कोई चक्कर नहीं है, बहुत मजबूत कपड़ा है, काफ़ी मोटा कपड़ा है, और 2.5 किलो कपड़े में हमारा काम चल गया, 2 किलो 600 ग्राम कपड़े में। तो अब फटाफट कपड़े को लगा देते हैं। हेलो गाइज ग्रीन स्क्रीन लग चुकी है, मैंने चेक करके भी देखा, एक लाइट की थोड़ी सी मुझे कमी महसूस हुई, बाकी हम रिजल्ट लाइट लगाने के बाद चेक करेंगे कैसा आ रहा है। दोबारा कौन बोल रही है, लाऊंगा। तो गाइज इसकी तो हंसी रुक नहीं रही है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं कल वाले नेक्स्ट व्लॉग में। तो ठीक है गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सो गाइज ग्रीन स्क्रीन लग चुकी है आपने देखा है, और अब हम कर रहे हैं इस व्लॉग की एंडिंग। सो गाइज ग्रीन स्क्रीन लग चुकी है। तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में,
तब तक के लिए बाय, कमेंट जरूर कीजिएगा। तू मार ले, थप्पड़ मार ले तू।